नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। दोस्तों, लास्ट वीडियो देखने के बाद कुछ व्यूअर ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर TCS रिले कैसे काम करता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने TCS रिले का फंक्शन के बारे में थोड़ा आपको समझाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने समझाया था कि अगर सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है, आप क्या क्या चेकिंग करेंगे। तो आज का वीडियो में मैं आपको TCS रिले कैसे फंक्शन करता है, उसका वायरिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में समझाने वाला हूं दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी हां दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत ही आपके पास पहुँच जाए, आप लोग देख सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री में आप जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसा मोटर, ट्रांसफार्मर, हॉयस्ट, क्रेन, VFD, PLC, हाइड्रोलिक पंप, कन्वेयर, सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सारे के ऊपर मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, इसका नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रिप सर्किट को सुपरविजन करता रहता है। ये जो TCS रिले है दोस्तों, इसको 95 रिले भी कहा जाता है। 95 रिले का काम होता है ट्रिप कॉयल को हमेशा मॉनिटर करता रहेगा। अगर मान लीजिए ट्रिप कॉयल ओपन हो जाए या ट्रिप सर्किट में कहीं पे कुछ ओपन हो जाए तो तुरंत ही आपका ये रिले ऑपरेट करेगा और एक इंडिकेशन आ जाएगा दोस्तों। क्या इंडिकेशन आ जाएगा? ट्रिप सर्किट हेल्दी बोल के उसका इंडिकेशन रहता है दोस्तों, वो इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। हमेशा इंडिकेशन जलता रहता है, जब भी ये फेल होता है तो इंडिकेशन ऑफ हो जाता है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रिप कॉयल में कुछ फॉल्ट है और आप तुरंत ही उसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, सर्किट ब्रेकर कैसे ट्रिप होता है, यानी हम TNC स्विच के थ्रू कैसे ट्रिप करते हैं, उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि TNC स्विच के थ्रू आप ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन ट्रिप नहीं हो रहा है, तो आपको क्या चेकिंग करना है? तो मैनुअल मोड में आप TNC स्विच के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि कंट्रोल सप्लाई हेल्दी है कि नहीं। अगर ट्रिप नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको देखना है कंट्रोल सप्लाई हेल्दी है कि नहीं। उसके बाद आपको देखना है ब्रेकर इन क्लोज कंडीशन, उसका कॉन्टैक्ट सही काम कर रहा है कि नहीं। ब्रेकर क्लोज होने के बाद उसका जो कॉन्टैक्ट रहता है दोस्तों, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एक यूज किया जाता है ट्रिप सर्किट में। तो मान लीजिए वो कॉन्टैक्ट ओपन हो गया होगा, चूँकि NC कंडीशन में रहना चाहिए, नॉर्मल NO कॉन्टैक्ट होगा। जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर TNC स्विच के थ्रू ट्रिप नहीं हो रहा है तो आपको उसे भी चेक करना है। सर्किट ब्रेकर का जो इंटरनल वायरिंग रहता है, उसका कॉन्टैक्ट रहता है दोस्तों, वो कॉन्टैक्ट NC नहीं हुआ होगा, ये आपको चेक करना है। और नंबर 3 हो सकता है दोस्तों, TNC स्विच ही ख़राब हो, यानी आप ट्रिप की तरफ घुमा रहे हैं लेकिन वो कॉन्टैक्ट वहाँ से चेंज ओवर नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट फेलियर हो गया, तो भी एक रीजन हो सकता है। और लास्ट वाला रीजन हो सकता है दोस्तों, ये सारे अगर सही होगा तो आपका ट्रिप कॉयल अगर ख़राब होगा तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। तो ये हो गया दोस्तों, TNC स्विच के थ्रू अगर आप ट्रिप कर रहे हैं, सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है, तो ये 4 कंडीशन को आपको देखना है। तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर अगर फॉल्ट कंडीशन में ट्रिप नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। फॉल्ट कंडीशन यानी कुछ भी फॉल्ट आए, ओवर करेंट का फॉल्ट हो, ग्राउंड फॉल्ट हो, अंडर वोल्टेज का फॉल्ट हो, कुछ भी फॉल्ट हो, तो तुरंत ही सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। अगर सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन तो आपको क्या चेकिंग करना है? नंबर 1 चीज़ हो सकता है दोस्तों, कंट्रोल सप्लाई नहीं होगा, कंट्रोल का फ्यूज चला गया होगा, ट्रिपिंग सर्किट का जो फ्यूज वो चला गया होगा, नहीं तो कंट्रोल फ्यूज चला गया होगा, तो चाहे जितना भी फॉल्ट आ जाए सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। और नंबर 2 कंडीशन हो सकता है दोस्तों, जैसे मैंने बोला सर्किट ब्रेकर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम यूज करते हैं, यानी सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो उसका कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा। तो मान लीजिए वो कॉन्टैक्ट NC नहीं होके NO होके रह गया तो क्या होगा दोस्तों, ट्रिप वोल्टेज कॉयल में नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। और नंबर 3 हो सकता है दोस्तों, मास्टर ट्रिपिंग रिले, यानी सर्किट ब्रेकर में जो फॉल्ट आएगा दोस्तों, सबसे पहले रिले ऑपरेट करेगा, चाहे कुछ भी फॉल्ट आ जाए तो मास्टर ट्रिपिंग रिले ऑपरेट होगा और मास्टर ट्रिपिंग रिले से ट्रिपिंग कॉयल को सप्लाई जाएगा दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों फॉल्ट आ गया लेकिन मास्टर ट्रिपिंग रिले ऑपरेट नहीं हुआ, या उसका
फॉल्ट कॉन्टैक्ट्स जो NONC कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होना चाहिए, चेंज ओवर नहीं हो रहा है, तो ट्रिपिंग कोयल को सप्लाई नहीं जाएगा, तो आपको मास्टर ट्रिपिंग रिले को भी चेक करना है। नंबर 4, जैसे मैंने बोला कि अंडर वोल्टेज रिले अगर होगा तो वहाँ पे भी माल फंक्शन ही हो सकता है। अंडर वोल्टेज हुआ होगा लेकिन रिले ऑपरेट नहीं हुआ होगा, तो आपको उसी रिले को भी चेक करना है। और HF6 ब्रेकर में उसका गैस प्रेशर का एक कॉन्टैक्ट रहता है दोस्तों, सेफ्टी स्विच की तरह रहता है, तो अगर वो सेफ्टी स्विच ओपन हो गया सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा दोस्तों। और लास्ट में सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा लेकिन ट्रिप कॉयल अगर ख़राब होगा, ट्रिप कॉयल ओपन होगा तो ट्रिप कॉयल में सप्लाई नहीं जाएगा, सप्लाई नहीं जाएगा तो ट्रिप कॉयल ऑपरेट नहीं करेगा, और ट्रिप कॉयल ऑपरेट नहीं करेगा मतलब है कि आपका ब्रेकर का ट्रिपिंग मैकेनिज्म भी ऑपरेट नहीं करेगा, तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा दोस्तों। तो ये सारे कंडीशन आपको देखना है एक एक करके। अगर फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है तो ये सारे पॉइंट्स को आपको चेक करना है दोस्तों। यानी सारे कंडीशन फुलफिल करेगा लेकिन अगर लास्ट वाला जो कंडीशन है दोस्तों, ट्रिप कॉयल हेल्दी नहीं होगा, तो बिल्कुल सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए ट्रिप कॉयल का हेल्दीनेस का सुपरविजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए TCS रिले लगाया जाता है दोस्तों। तो ये TCS रिले कैसे काम करता है? TCS रिले नॉर्मल रिले का उल्टा काम करता है दोस्तों, उसका रिवर्स फंक्शन में काम करता है। कैसे? जैसे कि एक कॉन्टैक्टर का आप वायरिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव पॉइंट को वायरिंग करके रखते हैं, यानी नेगेटिव वहाँ पे परमानेंट कनेक्टेड हो गया, और पॉजिटिव को आप लोग कंडीशनल रखते हैं, यानी स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो पॉजिटिव का सप्लाई वहाँ पे जाएगा आपका कॉन्टैक्टर में और कॉन्टैक्टर पिकअप करेगा। रिले के लिए भी सेम है दोस्तों, नेगेटिव हमेशा कनेक्टेड रहेगा और आप पॉजिटिव को कंडीशनल रखेंगे, यानी कुछ फॉल्ट आएगा तो पॉजिटिव वहाँ से थ्रू होगा और रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन TCS रिले में दोस्तों उसका पूरा उल्टा होता है, यहाँ पे आप पॉजिटिव को हमेशा रिले में कनेक्ट करके रखेंगे और नेगेटिव को आप कंडीशनल रखेंगे, यानी नेगेटिव साइड से अगर कोई फॉल्ट होगा तो ये रिले ऑपरेट करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव सप्लाई को पॉजिटिव फ्यूज से हमेशा कनेक्ट करके रखा जाता है डायरेक्टली, उसके बीच में कुछ भी इंटरलॉक नहीं रखा जाता है। लेकिन जो नेगेटिव टर्मिनल है दोस्तों, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रिप कॉयल के थ्रू हम लोग नेगेटिव को लाते हैं, यानी नेगेटिव वायर ट्रिप कॉयल के थ्रू आएगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा दोस्तों, अगर ट्रिप कॉयल सही होगा तो वहाँ से नेगेटिव पास करके TCS रिले में कनेक्ट होगा, अगर ट्रिप कॉयल हेल्दी है तो नेगेटिव सप्लाई मिलता रहेगा TCS रिले को, अगर ट्रिप कॉयल ओपन हो गया है तो नेगेटिव सप्लाई वहाँ से नहीं मिलेगा। तो ये उसका थोड़ा उल्टा कनेक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 कॉयल है दोस्तों, कॉयल का नाम क्या है, A, B and C। तो यहाँ पे 3 कॉयल का क्या काम है दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ये TCS रिले प्री क्लोजिंग एंड पोस्ट क्लोजिंग दोनों कंडीशन में फंक्शन करता है। तो प्री क्लोजिंग में ये जो बी कॉयल है दोस्तों, बी कॉयल में हमेशा सप्लाई आता रहेगा, बी कॉयल ऑपरेट होगा, हमेशा बी कॉयल में सप्लाई आता रहेगा। और पोस्ट क्लोजिंग में दोस्तों, एक बार क्लोज हो जाने के बाद ए वाला जो कॉयल है वहाँ पे हमेशा सप्लाई आता रहेगा। और सी कॉयल जो है दोस्तों, ये है मेन कॉयल है, ये सी कॉयल जब फेल होगा तो आप समझ लीजिए कि ट्रिप कॉयल में फॉल्ट है। तो बी कॉयल हमेशा प्री क्लोजिंग पीरियड में मॉनिटर करता रहेगा ट्रिप सर्किट को, और ए वाला कॉयल पोस्ट क्लोजिंग में मॉनिटर करेगा, और ये दोनों में से एक कॉयल जब एनर्जाइज रहेगा तो उसका मतलब है कि सही कॉयल को सप्लाई मिलता रहेगा, और उसका मतलब है ट्रिप कॉयल इज हेल्दी। और मान लीजिए ये दोनों कॉयल डी एनर्जाइज हो जाए, ए में सप्लाई नहीं आ रहा होगा या बी में सप्लाई नहीं आ रहा होगा, दोनों कॉयल में सप्लाई नहीं आ रहा होगा, तो उसी कंडीशन में सी कॉयल ड्रॉप हो जाएगा, जिसका मीनिंग है ट्रिप कॉयल अनहेल्दी। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि TCS रिले काम किया दोस्तों? TCS रिले जब फेल करता है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रिले का फ्लैग ड्रॉप हो जाता है और एक इंडिकेशन लैंप रहता है दोस्तों, ट्रिप सर्किट हेल्दी इंडिकेशन बोल के, वो लैंप जो हमेशा जलता रहेगा वो लैंप बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों TCS रिले, उसका 3 कॉइल है ए बी एंड सी वोल्ट के, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर का 2 कॉन्टैक्ट है, एक है S1 1626 और राइट साइड वाला S1 1323, यानी प्री क्लोजिंग पीरियड में S1 क्लोज कंडीशन में है, तो सप्लाई कहाँ से जाएगा, ट्रिप कॉइल के होते हुए नेगेटिव वाला सप्लाई ट्रिप कॉइल से पास करेगा, S1 का 2313 उसी कॉन्टैक्ट के थ्रू जाएगा और बी कॉइल में नेगेटिव सप्लाई मिलेगा और पॉजिटिव वाला डायरेक्ट आके ए कॉइल थ्रू होके बी कॉइल में कनेक्ट होगा। ये कंडीशन में बी कॉइल ऑपरेट करेगा, बी कॉइल जब ऑपरेट करेगा तो उसका जो NO कॉन्टैक्ट है दोस्तों, NO कॉन्टैक्ट के थ्रू सी कॉइल भी ऑपरेट करेगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ड्राइंग को अच्छे से स्टडी कीजिए। बी कॉइल जब ऑपरेट करेगा उसका कॉन्टैक्ट है दोस्तों, उसी कॉन्टैक्ट के थ्रू सी कॉइल ऑपरेट करेगा। ये हो गया दोस्तों प्री क्लोजिंग पीरियड में, और पोस्ट क्लोजिंग पीरियड में क्या होगा दोस्तों, सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट रहता है दोस्तों, वहाँ पे S1 1626 वो NO कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये S1 का जो 1323 कॉन्टैक्ट है वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सप्लाई 2616 होके ए कॉइल में कनेक्ट होगा दोस्तों, उधर से पॉजिटिव मिला हुआ है और यहाँ से ये नेगेटिव उसको मिल गया ए कॉइल को, और ए कॉइल जो पिकअप करेगा उसका कॉन्टैक्ट देखिए दोस्तों, कॉन्टैक्ट के थ्रू सी कॉइल पिकअप करेगा, सी कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि ट्रिप कॉइल हेल्दी। अगर मान लीजिए ट्रिप कॉइल ओपन हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, ए भी फेलियर हो जाएगा और ए फेलियर होने के साथ साथ सी भी फेलियर हो जाएगा और फ्लैग ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ट्रिप कॉइल ओपन हो गया है और तुरंत ही आप लोग उसका रिपेयरिंग शुरू कर देंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।